एक बात आप पढ़ते होंगे, अखबार में निकलता रहता है, नकली सीबीआई ऑफिसर पकड़े गए, नकली दरोगा जी पकड़े गए, नकली एसडीएम साहब पकड़े गए। और इतनी मतलब जम्मू कश्मीर में तो कोई गुजरात का ऑफिसर बनकर के 15 दिन आनंद लिया, वो नकली था। बाद में तो जब ये समाचार लोग मैनिपुलेट कर देते हैं ना, जय जय सीताराम, आया राम गया राम, वो 15 दिन वहां टहलता रहा ऑफिसर बनकर, प्रोटोकॉल लेकर, किसी को पता ही नहीं चला। ऐसा सेंसिटिव स्टेज, तब ये हालत है। लेकिन ध्यान रखिए, सजा भी मिलती है, जेल भी जाते हैं, सारे काम होते हैं, निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, फिर भी हर साल नकली वाले मिल जाते हैं। क्योंकि ये असली वालों से भी तेज होते हैं, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि भय नाम की चीज नहीं। और एक बार कोई इस पथ पर चला जाता है तो प्रकृति फिर उसको उसी प्रकार रचना दे देती है। माता जी से बाबा ने पूछा, ले इन्हें परीक्षा कवन विधि कहो सब मां बताना सही चाहती थी, लेकिन जिस माया का स्वरूप धारण किया मां ने, वो माया सिर चढ़ गई और उसने प्रेरित करके झूठ कहलवा दिया। कछु न बाबा ने संकल्प मन में ले लिया। क्यों? सती कीन सीता कर वेशा, सती जी ने मां का स्वरूप धारण कर लिया। भाव का ही तो अंतर है स्वरूप में।
आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की, बाबा कैलाश आए, अपने संकल्प का स्मरण करके बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में प्रवेश कर गए। बीते संबत सहस 87 तब तजी समाधि, शंभु अविनाशी राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने हो सती। जाकर माने वंदन किया, चरणों में भगवान शिव ने आसन उठाकर दिया, बैठ गई। शिव जी कथा सुनाने लगे। एक व्यवहार की बात, व्यवहार शास्त्र मनुष्य का इतना कमजोर हो गया है, क्यों है ये समझ में नहीं आता। कोई भी किसी से भी हालचाल पूछने लग रहा है, हमसे ही पूछ देते हैं, तबीयत ठीक है आपकी, कैसे हैं आप, तुम्हारी कृपा है, ध्यान रखा करिए। छोटों को बड़ों से कुशल पूछने का अधिकार नहीं है, बड़ों को छोटों से कुशल पूछने का अधिकार है। लेकिन ये मोबाइल जगत ने छोटों को बड़ा बना दिया है, बड़ों को छोटा बना दिया है। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, यहाँ तो कम है। शहरों की कथाओं में आगे वाले जो लोग बैठते हैं वो कथा नहीं सुनते, देखो मैं भी कथा में, ये देखो ये देखो, यही करते रहते। तो हमारा तो स्वभाव जरा विकट है ना, निकाल बाहर करो इनको, जितनी देर बैठना है भगवान की कथा श्रवण करो, कथा के बाद जाके जो करना है करो। आप घर से बाहर निकल जाइए, ड्राइवर हो, नौकर हो, भंडारी हो, कर्मचारी हो, चाहे जो हो, व्यस्त है हर आदमी। अरे भैया भेजे थे बाजार, गए नहीं, अभी जा रहे हैं, जरा ये पूरा हो जाए तो जाएंगे। कौन पूरा होगा, तुम किए? आदमी हर घड़ी व्यस्त है साहब। काम क्या है? कोई काम नहीं। लोगों का कहना है सब कुछ बढ़ गया है, नहीं सब कुछ घट गया है। आदमी पास में रह के दूर वालों से संबंध बनाए है, बगल वाले से कोई संबंध नहीं बना। दूरस्थ यंत्र ने अपने को दूर कर दिया, सबको दूर कर दिया। चार लोग बैठे हैं,